का सपोर्ट सिर्फ किसी एक को मिल सकता है, और जिसे ये सपोर्ट मिलेगा वो है सौरभ। यस अमोल, बुरा लग रहा है? थोड़ा, हाँ काफी ज्यादा। काफी ज्यादा? I mean, I needed a platform to tell her. I came here with ये सोच के आया था कि maybe using this I would be at least be able to explain it to her or face her a little more. Because अभी मुझे नहीं मालूम कि अगर मुझे मिलना भी पड़ा तो मैं उसको कैसे मिलूंगा, क्या बोल पाऊंगा। I really don't know anything. अमोल, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शायद तुम्हें भी बिंदास डांस स्क्वाड का सपोर्ट दे देना चाहिए। yes! आज ऐसा पहली बार हो रहा है बिंदास लिव आउट लाउड पर कि दो लोगों को बिंदास डांस स्क्वाड का सपोर्ट मिलेगा। सो यू आर वेरी लकी कि यू गेट दिस चांस अलोंग विद सौरभ। थैंक यू वेरी मच। आर यू बोथ रेडी टू लिव आउट लाउड? एग्जैक्टली, यस। गुड गोइंग गाइस, गुड लक। थैंक यू वेरी मच। लेट्स गो, कम ऑन। अमोल और सौरभ ने जीत लिया है सपोर्ट बिंदास डांस स्क्वाड का। टाइम है जब वो मिलेंगे कोरियोग्राफर्स उमा और गेती से। बताएं कि आप क्या चाहते हैं और आपकी क्या ख्वाहिशें हैं, कैसे करना चाहते हैं। मैं एक्चुअली इसके सामने डिस्कस नहीं करना चाहता। इवन आई वुड रादर प्रेफर इफ आई मीन आई कैन टॉक टू यू ऑल इन पर्सन। तो एक काम करते हैं, मैं आपके साथ निकल जाता हूँ, तो आप अमोल आप मेरे साथ गेती को बता दीजिए। अब सवाल था डू और डाय, आर या पार। मैंने तो कह दिया कि मुझे जो भी प्लान आउट करना था कृति के लिए वो मैं अकेले में करूँगा। वहाँ पे आई वॉज इन वेरी कम्फर्टेबल क्योंकि जो मैं उसके बारे में जानता था सौरभ के सामने नहीं बोलना चाहता था। उमा गेती का भी एक डिविजन हो गया एंड देयर वर टू डांस स्क्वाड। अमोल आई एम ऑन योर साइड। मेरी कोरियोग्राफर थी गेती, मैंने उसे सब कुछ बता दिया, व्हाट एवर आई न्यू अबाउट कृति। शी रियली लाइक्स द सॉन्ग फ्रॉम तनु विद मनु, स्टडी गली। हाउ नाइस, ओके आई गॉट इट। मेबी वी कैन डू अ स्टडी गली। यस सौरभ, टेल मी अबाउट कृति। उमर मुझसे सारी चॉइसेस पूछी तो मैंने बताया कि सलमान खान बहुत ज्यादा पसंद है और उसका फेवरेट सॉन्ग भी तेनु लेके मैं जावांगा, और मैंने वही चुना क्योंकि मुझे पता था इससे वो काफी अट्रैक्ट हो जाएगी। वो सब चीजें लार्जर देन लाइफ देखती है, उसको स्पीड बहुत पसंद है, ड्राइविंग। या ओके, सो वी गॉट द आइडिया एंड वी विल प्लान समथिंग फॉर यू एंड आई एम ऑन योर साइड, सो आपका एडवांटेज बहुत जबरदस्त है। सौरभ और अमोल से हम इंडिविजुअली बात कर चुके हैं। मेरे हिसाब से आई रियली थिंक आई लाइक अमोल। I okay. think he's a very sweet guy. Kriti is going to pick Saurabh. No, she's going to pick Amol. Wait and watch. She's going to pick Amol. Please let him just say whatever he wants to say. Amol is going to take Kriti home. बिंदास डांस स्क्वाड के लिए येट अनदर चैलेंजिंग डे। आज पहली बार लिव आउट लाउड में है दो कंटेस्टेंट्स और मकसद है एक, टू विन द लव ऑफ देयर लाइव्स। टुडे इज द बिग डे, आज हम एक ग्रैंड वेडिंग पुल ऑफ करने वाले हैं। ऑफ कोर्स इट्स गोना बी स्टेज्ड। वक्त बहुत कम है, बहुत सारी तैयारियां करनी है, बहुत रिहर्सल, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। रिहर्सल स्टार्ट हो चुके हैं, टीम गेती ने अपने स्क्वाड के रिहर्सल शुरू कर दिए हैं। अमोल ने मुझे बहुत सारी चीजें बताई हैं कृति के बारे में। उसने बताया कि साड़ी गली इज कृति's फेवरेट सॉन्ग, आई एम गोना यूज दैट सॉन्ग। उसी बात यह है कि शी लाइक्स शादी संगीत, तो ये जो सेटअप किया है वो एक शादी का सेटअप है। अमोल आज आया अकेले है, जाएगा कृति को लेके ही एंड टीम गेती इज गोना विन, यू वेट एंड वॉच। सौरभ ने मुझे कृति के बारे में अपने लाइक्स और डिसलाइक्स बताए, तो आज हम सौरभ से तेनु में लेके जावांगा, गाने पे डांस कराएंगे एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट सौरभ लेके जाएगा आज कृति को। अमोल और सौरभ के साथ साथ आज बिंदास डांस स्क्वाड के कोरियोग्राफर्स उमा और गेती के बीच भी कॉम्पिटिशन शुरू हो चुका है।
सवाल है कि इन दोनों में से आज किसकी टीम कृति को पाने में कामयाब होगी। We don't have the song, अभी क्या कर रहे हैं? अरे डोंट वरी लिप्सा, ये देख मेरा नया सैमसंग स्टार 3 डुओस। I have Wi-Fi, I'll download the song. There you go. Oh, nice it is. So finally हम लोग सॉन्ग में। सौरभ पहुंच चुके हैं इस लोकेशन पर। आज अगर कृति का दिल जीतना है तो उन्हें अपना 200% देना होगा। सौरभ के लिए कृति का दिल जीतना आसान नहीं होगा क्योंकि उनका कॉम्पिटिशन अपने ही फ्रेंड अमोल से है। Yeah, jump up like it's an X jump. So, jump. Yeah, 5, 6, 7. मैंने मेरी बात को ऊपर रखते हुए मुझे सलमान के फेवरेट सॉन्ग से कोरियोग्राफ करवाया एंड फिर हमने डांस रिहर्सल शुरू कर दी। 5, 6, 7, 8, 1, 2, 1, 2, 3, no. मैं नर्वस हूँ अभी, पूरा तैयार हूँ नहीं, बट कहीं ना कहीं मुझे चैलेंज दिखता है कि अमोल को मुझे हराना है। बहुत ज्यादा अभी टेंशन में हूँ, मैं आपको कहीं 1% भी मतलब लूज नहीं छोड़ना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना 100% दूँ। डांस रिहर्सल्स आर एट फुल स्विंग। 400 से ज्यादा बिंदास डांस वॉलंटियर्स पहुंच रहे हैं इस स्टेज्ड शादी में। उमा और गैती अमोल और सौरभ को बिंदास डांस स्क्वाड से मिलवाते हैं। आज लिव आउट लाउड दो हिस्सों में बढ़ चुका है। ये है टीम गैती विद अमोल और ये है वो टीम जो जीतने वाली है। दिस इज उमाज स्क्वाड। परफॉर्म करना है और एक ही चांस मिलता है बिकॉज इट्स अ सरप्राइज, इट्स अ वन टेक शो, एवरीबॉडी हैज टू कॉन्सेंट्रेट एंड डू इट वेल। ओके, तो आप रिहर्स कीजिए, इट बी वेरी सिंपल ओवर द लिप्स। देयर यू गो, लेट्स गो, लेट्स रिहर्स। 5, 6, 7, 8, 1, 2, 4, 5 एंड देन ऊपर। You can see rehearsals full swing mein chal rahi hai. 5, 6, 7, 8. The big moment is only 2 hours away. Kriti, all this for you. 1, 2, 5, 6. जब वो देखेगी कि हम लोगों ने क्या क्या प्लान करा है, उसको ये सरप्राइज सीरियसली बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि वो हर चीज लार्जर देन लाइफ ही प्रेफर करती है, देखती है। 1, 2, 3, 4. Let's see you do that. 1. बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ अभी प्रेजेंटली एट दिस मोमेंट क्योंकि मुझे आई डोंट वांट एनी मिस्टेक ऑन दिस डे टुडे। मुझे अब सच में कंपटीशन का बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस आने लग गई थी और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि विनर मैं ही हूँगा और मुझे पता था कि अमोल भुंदू सा है, वो कुछ कर तो पाएगा नहीं। सौरभ बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, वो ही लेके जाएगा लाइक आई ऑलवेज बीन सेइंग। अभी इतना रिहर्सल किया है, आई एम होपिंग दैट दिस वर्क्स आउट एंड मी एंड कृति गेट टुगेदर। आई एम श्योर वी आर गोइंग टू विन। मैं आपको यहाँ पे सब कुछ बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली कैसे कैसे क्या प्ले आउट है। ये शादी जो है वो सौरभ के एक दोस्त की शादी है जिसमें उसने कृति को इनवाइट किया। यहाँ पे एक पंडित जी हैं, जय श्री कृष्ण। पंडित जी के पास वो लड़की जाएगी तो पंडित जी उसका हाथ देखेंगे, इसके बाद सीधे सौरभ कृति को ऑन स्टेज ले जाएगा और खुद स्टेज पर नहीं जाएगा। वो उसको बोलेगा प्लीज एटलीस्ट गो एंड विश द ब्राइड एंड द ग्रूम। अब जो ग्रूम है वो है अमोल भाई साहब। जब वो पता चला कि मैं दूल्हा बनने वाला हूँ तो ये सुन के बहुत ही कंफ्यूजिंग एंड बहुत ही एक वियर्ड फीलिंग आया क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि व्हाट द प्लान वाज। वो कृति को देखेगा अमोल यहाँ पर अचानक से, तो नीलम जो कि उनकी वाइफ प्ले कर रही है उनसे कहेगा कि डार्लिंग ये शादी हमें यहीं कैंसिल कर देनी चाहिए क्योंकि मुझे इस लड़की से अचानक से प्यार हो गया है और मैं इसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। पर नीलम का अपना रिएक्शन होगा, इस बीच में पंडित जी को बुलाया जाएगा सॉल्व कराने के लिए और उस बीच पंडित जी अपनी एडवाइस तो देंगे ही, साथ साथ एक डांस परफॉर्मेंस भी देंगे और पूरा बिंदास डांस स्क्वाड टेक ओवर कर लेगा। उमा ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि सौरभ एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सके और गैती की टीम में अमोल है। ऐसी सिचुएशन पहली बार आई है हमारे शो में जहाँ पे ये दोनों कम्पीट कर रहे हैं किसी चीज को लेकर। Are you all excited? Absolutely. Amol, do you trust me? Yes. Kriti is yours. ऐसा ही होगा। You don't trust me? No. No. See, तभी आप हारेंगे। चलिए ठीक है, ये कॉम्पिटिशन जो है उसका रिजल्ट
थोड़ी देर में पता लग जाएगा जब कृति यहाँ पर होगी. फिलहाल आप सभी लोग अपनी तैयारियां कीजिए और हम भी अपनी तरफ से एकदम रेडी हो जाते हैं. ओके, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. मेरी भविष्यवाणी थी कि इनके जीवन में दो दो पुरुष है बेटा, यही वो पहला पुरुष है. इसके पैर छू लो और इसे अपना भावी पति मान लो. रात के 8 बज रहे हैं, बिंदास डांस स्क्वाड है पूरी तरह तैयार. बिंदास डांस स्क्वाड, 5 मिनट बचे हैं, 5 मिनट में कृति विल बी हियर, सो गेट रेडी एवरीवन. सौरभ ने कृति को इस शादी में ये कहकर इनवाइट किया है कि आज उनके बेस्ट फ्रेंड की शादी है और कृति के यहाँ आने पर अमोल आज उनसे पहली बार मिलेंगे. पीसीआर से उमा और गैती इस पूरी शादी पर नजर रखने वाले हैं और वो इन ईयर की मदद से पूरे बिंदास डांस स्क्वाड को इंस्ट्रक्ट करेंगे. आगे 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 आगे. I think Kriti is come. हाँ आगे है. Why you look so tired? No, I'm not tired. Actually, I'm waiting for you since so long. और शादी किसकी है? ये मेरे फ्रेंड की, चिराग. पर चिराग के बारे में सुना नहीं कभी. कभी बात ही नहीं हुई तो सुना नहीं. सौरभ पंडित जी के पास जाओ. यहाँ पे ना एक फॉर्चून टेलर है, पंडित जी ज्योतिषी. इस दिन. तुम्हें ढंग से पता है, मैं इन सब चीजों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती. For me, come there. For me, just for me. Please, 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 come, please. जय श्री कृष्ण, नमस्कार. बैठिए. वाह, जितने भी भविष्य देखे हैं मैंने, ऐसा भविष्य देखने का लाभ बहुत ही कम हुआ है. बोलो, हर चीज दो दो है आपके पास. आपके भविष्य में मुझे दो पुरुष दिख रहे हैं जो आपके भविष्य में साथी हो सकते हैं. दो दो कैसे हो सकते हैं, क्यों होगा? जो दिख रहा है कन्या, वही मैं बता रहा हूँ. तो बस आपकी मन की आंखें खोलिए और देखिए, हो सकता है यही आजू बाजू में आपको मिल जाए. पहले लड़के का नाम शायद ए यानी अ से होगा, दूसरे का नाम शायद स. सर से होगा. ओह माय गॉड, पंडित जी इज हिलेरियस. हाय, बता रही है जी. मुझे लगता है सा वाला शायद मैं ही हूँ. अच्छा, आपका नाम? सौरभ. देखा, गंदी हरकत है. मैं झूठ तो नहीं बोल रहा था. नहीं नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं. नहीं, गलत है. चलो पंडित जी, बहुत अच्छा लगा वैसे आपसे मिलकर. जी, वैसे मैं विश्वास नहीं करती, पर कोशिश. आप शादी एंजॉय कीजिए, खाना खाइए. बिल्कुल, थैंक यू सो मच. नमस्ते पंडित जी. जय श्री कृष्ण. अच्छा, लेट्स गो एंड मीट द ग्रूम एंड ब्राइड. ओके, अमोल ऑन स्टैंड बाय. सौरभ, कृति को आप स्टेज पे ले जाओ. एक्चुअली मैं इनका गिफ्ट ना कार में भूला हूँ, मैं लेके आता हूँ. तुम मुझे अकेले छोड़ के नहीं जा सकते? अरे नहीं नहीं बाबा, जस्ट मैं जानती भी नहीं. अरे वेट फॉर अ व्हाइल, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ. मेरी टर्न आने वाली. मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ. मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ. मैं क्या बोलूँगी? मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ. Congratulations, मैं सौरभ की फ्रेंड हूँ. उसने बताया, वो अभी मुझे छोड़ के चला गया कि फ्रेंड है. आई एम सो सॉरी. यू मेक बोथ मेक अ ग्रेट कपल. यू लुक ग्रेट. थैंक यू. क्या? व्हाई डोंट यू कम हियर? व्हाई डोंट यू कम? क्यों? या यू कैन जस्ट कम इन. क्यों? आजा आंटी के साइड में. यहाँ आ जा. हाँ ठीक है, परफेक्ट. फोटोग्राफर, अच्छा फोटो आना चाहिए. मेरी खास है, मेरी स्पेशल गेस्ट है आज की. वन फोटो यार, वन फोटो. आप दोनों का रिसेप्शन है. मैं वन जल्दी कीजिए. आपकी तबीयत ठीक है? Reception, आप दोनों enjoy करिए. Great couple, seriously great couple. No, one month. I actually like her. Oh! जब से she's walked inside, I've only been looking at my. सिर्फ उसको देख रहा हूँ. I really think I've fallen for you. No. ये एक फैन है. Who are you? मैं नहीं जानती. मैं क्यों पहली बार देख रही हूँ. ये कृति है. ये कृति है. She's my dream girl.
ये जो है शादी हमारी हुई है, आई इट विल बी अ धोखा इफ आई डू दिस. लड़की है ना, शॉर्टकट.